मान लीजिए यू हैव अ कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू टेल द कैलेंडर प्लीज टेल मी द मंथ? व्हाट हैपेंस इज कैलेंडर डज नॉट एवर टेल यू मंथ, यू नो द मंथ, देन यू पुट दैट पेज ऑफ दैट मंथ ऑन द कैलेंडर एंड देन यू नो इट इज दिस मंथ. कैलेंडर कैन नेवर टेल यू मंथ और द ईयर. मान लीजिए हमने पुराना साल का कैलेंडर टांग दिया, तब वो सही मंथ बता देगा, गड़बड़ कर देगा. व्हाट डज कैलेंडर टेल यू? कैलेंडर ओनली टेल्स यू द डे ऑफ द मंथ. ये बात बहुत जरूरी और ध्यान में रखने वाली है. पीपल हैव लुक्ड एट देयर कैलेंडर बिफोर, राइट? एंड कैलेंडर को तो बड़ी मजे से हम भी देखते हैं भी हैं कि क्या करते हैं कैलेंडर में देखकर. सबसे पहले ढूंढते हैं कि संडे किस दिन है, बिकॉज संडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स. टीचर को बच्चों से मुक्ति और बच्चों को टीचरों से मुक्ति. सो आई थिंक दैट इज हाउ कैलेंडर्स आर नॉर्मली यूज्ड. इंटरेस्टिंगली देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड पीके श्रीनिवासन. हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड पीके श्रीनिवासन? वन ऑफ द फोरमोस्ट हाई स्कूल मैथमेटिशियन, राइट? और उन्होंने अपनी एक छोटी सी किताब लिखी, कैलेंडर फन विद मैथ. व्हेनेवर यू गेट अ चांस यू शुड रीड दैट बुक. इट्स इन इंग्लिश. आई ट्रांसलेटेड दैट बुक इन हिंदी. इन दैट वन बुक ही हैज सेड दिस कैलेंडर बेसिकली इज सिटिंग ऑन एवरीबडीज यू नो होम और व्हाटएवर. बट उसका उपयोग किस तरह से क्लास में हम कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी गतिविधियां बनाई. फॉर इंस्टेंस, आई होप एवरीबडी हैज कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ देम. एंड कैन यू सी दैट you can flip any page of the calendar, you will always find, no matter whatever the month is, you will find 1, 8, 15, 22, 29. कभी भी देख लीजिए, हमेशा 4 के नीचे 11 आएगा, 11 के नीचे 18, 18 के नीचे 25. नो मैटर वॉट दिस मंथ इज, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2019 हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर. ऑलवेज. And most interesting thing that in a month you don't need to know any day of the calendar except the first of the month. In other words, मान लीजिए आपको कोई बोले कि भाई 20 तारीख को क्या है, so all you have to do is 20 divided by 7 and whatever is the remainder, in this case remainder will be what? 6. So 20 will be same as 6. 25 will be same as 4. Why? Because 25, if I divide by 7, remainder is 4. Similarly, जो भी आप कोई भी संख्या निकाल लीजिए, 30, 30 will be same as 2, 23 will be same as 2, 16 will be same as 2, 19 will be same as 2. Why? Because all these numbers, when you divide by 7, the remainder is 2. Now, when I read this, I was actually shocked. I had never looked at it at a calendar like this before. But calendar actually has very, very interesting math. And the first thing that you need to know is that all you need to do is know the first date of the month and then everything else is clear, right? Agar aapko 29 pata karna hai kya hoga, to 29 bahut badi sankhya yaad karne ki zarurat nahi hai. 7 se bhag de dijiye, divide by 7, the remainder is 1. So 29 will be the same day as 1. And which is obvious. If you think about it, I'm sure you will be able to figure it out why this is happening, because days in our weeks have 7 days, and so ek ek 7-7 din ke baad badhte rahenge, to ek ke baad hamesha 8 hi aayega, 8 ke baad 15 aayega, 15 ke baad 22, 22 ke baad. So that is very clear. So first thing that we know, calendar follows modulo 7 math, that the whole calendar is based on modulo 7 math. You divide by 7, whatever is the remainder, that is the day. If you have a calendar, you have such a big 12 महीने का एक बड़ा बड़ा पेज पड़ा रहता है. बट अब सो व्हाट वी डिड एसेंशियली, व्हाट वी सेड दैट लेट्स मेक अ कैलेंडर व्हिच विल वर्क फॉर 1000 इयर्स, 1000 इयर्स इन फ्यूचर एंड 1000 इयर्स इन द बैक. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू टुडे, राइट? वी आर गोइंग टू शो यू हाउ दिस कैलेंडर मैजिकली वर्क्स फॉर 1000 ऑफ इयर्स, 1000 इयर्स तक ये कैलेंडर चलेगा. और बस इसमें ये 12 अंक ही लिखे हुए, और कुछ नहीं लिखा. जनवरी के नीचे 0, फरवरी के नीचे 3, ऐसे ऐसे कुछ एक कोड सा लिख दिया है. एंड दिस कोड विल लेट यू मेक द कैलेंडर ऑफ एनी ईयर दैट यू वांट, इन फ्यूचर और इन द पास्ट. एंड दैट इज द मैथ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इन अ कैलेंडर इज दैट इन अ मंथ यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय द 7 एंड वॉट एवर इज द रिमाइंडर, दैट इज द डे ऑफ द कैलेंडर. पीछे जब particular day. So calendar basically tells only a particular day of the month, right? Calendar does not tell you the date. You cannot ask, oh calendar, tell me what is the date today. Calendar does not know. It has 31 dates. Can you think, if you ask the calendar getting up in the morning and you tell calendar, please tell me the date, calendar will not be able to tell you.
The only thing calendar can do is if you tell calendar that please tell me if the date is 30 and if the month is May 2020, what is the day? Then calendar can tell you, oh, it is Saturday. But if you tell calendar, okay, it is May 2020 and it is Saturday, tell me the date. Calendar kahega, pagal ho kya? 5 Saturday hain, kaun sa wala batao? Calendar cannot tell you the date. Calendar can only tell you the day. Please realize that it is a fundamental thing that we are looking at. Of course, hame pata hota hai, hame date to fir hum calendar se puch lete hai. But otherwise, if calendar knows nothing, is just blank thing, you have to tell calendar, it is this month, it is this year, and so this will be the day. Okay, very good. And so the complete calendar is working on modulo 7 math. After every 7 days, the day of the week is the same. So 1 ke baad, 7 din baad, wahi din aa jayega, which is 8. Uske 7 din baad, wahi din aa jayega, which is 15. And then 22 and then 29. So that is how, it will go on. So that is very clear. Next. So the way you have to do this is divide the number of days by 7. And whatever is the remainder, that is the number of days. Okay. This is a question. In a given calendar, 5th day, 5th of the month is a Tuesday. Like he's showing here. What will be the day on the 18th? Monday. You can also speak. Can you speak in your mic and explain everybody why it is Monday? Because like if when you divide 18 by 7, there'll be a reminder of 4. And it's so that'll be 4th of the month. Monday. And 5th here, it's given that 5th is Tuesday. So 4th will be the day before. Very really good. Interesting question. Calendar mein lal ink gir gayi hai. And only 2 dates are visible. In fact, only 1 date is visible. Saturday and 30th. Can you tell the date of the first Saturday of the month? And if you divide 30 by 7, the remainder is 2. So uske 30 ko wohi date hogi jo 2 hogi, and 2 will be the first Saturday. Bahut acha sawal hai. Aaj 28 Mai ko, aaj 28 Mai hai, aaj Brihaspatiwar hai, right? Today is Thursday. What will be the day on the 28th of next month, which is June 28, 2020. You can see that the first day of the next month will be Monday because the month ends on on Sunday. And therefore, on the 28th, the day will be same as 28 divided by 7 is 0, right? So it will be 0 meaning 0. So in modulo 7, 0 also means 7. Like 8 means 1, 7 means 0. So it will be the same day as 7. So if first is Monday, the 7th will be Sunday. And what we are saying is that in May of month, there are 31 days, right? And if you divide 31 by 7, you get remainder 3. Please convince yourself that the calendar of June will be 3 days more than calendar of May. Yes. That's all. You have to shift the calendar of May by 3 days and you will get the calendar of June. Why? Because 31 divided by 7 is 3. So 28th will be same as 28 ko jo is month mein hai, usme 3 din aage badh jaiye. Is month mein 28 is on Thursday. So therefore, on the next month, you advance 3 days. 1 day, 2 day and 3. So Sunday hoga. Let me ask you this question now. Now assume that today is whatever day it is, 28th of May 2020. What will be the day next year? Same day. अगले साल आज ही के दिन कौन सा वार होगा? देखिए इसको किस तरह से हम देखें. आज इस साल 365 दिन है. तो अगले साल कितने दिन बढ़ जाएंगे? 365 divided by 7. Remainder is 1. So that's why you will go one day ahead. So which means this year's calendar will be same as next year calendar shifted by 1. Except ये वाला साल कौन सा है? इसमें leap year है. तो इसमें 365 दिन नहीं है. इसमें कितने दिन है? 366 days. Which means next year's calendar will be 2 days ahead of this year's calendar. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगले साल की जनवरी भी 2 दिन आगे बढ़ी हुई दिखेगी. तो फरवरी भी बड़ी हुई दिखेगी. तो मार्च भी बड़ी हुई दिखेगी.
तो फिर भाई साहब जून भी बड़ा हुआ ही दिखेगा. आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन नाउ. लेट्स अज्यूम दैट जनवरी 1, 2001 वॉज अ मंडे. ये मान लीजिए ऐसा है, ऐसा था. तो जनवरी 1, 2020 क्या होगा? जनवरी 1, 2002 को क्या होगा? तो ईयर है ना, ये तो ट्यूसडे होना चाहिए. तो ऐसे बढ़ाते जाएं तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 1, 1, 20 को क्या होगा. थोड़ा सा ऐसे सोच लीजिए कि 2001 से 2020 तक अगर आए तो कितने साल आ गए? 19 साल आगे बढ़ गए. 19 साल आगे बढ़ने का मतलब हम कितने दिन आगे बढ़ गए? 7 से अगर भाग दें तो 5 दिन आगे बढ़ गए. और 5 दिन आगे बढ़ गए और इतने दिन में कितने लीप ईयर आ गए? पहली जनवरी तक अगर आप देखें तो 5 लीप ईयर नहीं आए, 4 है ना. तो 5 में और 4 डोल दें तो कितने दिन आगे आ गए? 9 राइट. और 9 दिन आगे आ गए, इसका मतलब कितना दिन आगे आ गए? 2 दिन. इसका मतलब जनवरी का कैलेंडर इज द सेम, 2020 का कैलेंडर इज द सेम एज 2003 कैलेंडर. या 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए 2001 के कैलेंडर को तो 2020 का कैलेंडर चालू हो जाएगा. 1-1-1 वाज अ मंडे, सो वी कॉल इट 1. देयरफॉर 1-1-20 विल बी 19 इयर्स आगे बढ़ गए, 4 लीप ईयर आगे बढ़ गए, यानी 23 दिन आगे बढ़ गए, यानी डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 2 दिन आगे बढ़ गए, यानी इसको 3 होगा. सो इफ 1-1-1 वाज अ मंडे, 1-1-22 इज अ 3 व्हिच इज वेडनेसडे. ऑलराइट. एंड सिमिलरली इफ 1-1-20 इज 3 देन 1-1-21 विल बी 2 डेज मोर बिकॉज 2 दिन आगे बढ़ गए, सो इट विल बी 5. ऑलराइट. दिस पार्ट लेट्स मेक इट क्लियर. नाउ यूजिंग ऑल दिस 3 इंफॉर्मेशन कि मंथ में हमने कैसे निकाला, कितना आगे बढ़ जाते हैं, डेट में कितना आगे बढ़ जाते हैं और ईयर में आगे कितना बढ़ जाते हैं, लेट्स डू दिस मैजिकल कैलेंडर. टुडे इज व्हाट? 28/05/20 करेक्ट. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डेट टुडे. ऑलराइट. सो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे और हमें ये मान के चलना है, वी हैव टू अज्यूम दैट 1-1-1 was Monday. ये मान के चलिए, because this is what it is. This is our reference. We can change it later, but right now that is the reference. All right. So now we have to find out what is 28 May of 2020. So first we will try to do, what we will try to do is 28/5/20 तक करने के लिए सबसे पहले हम 1/1/20 तक पहुंचते हैं. इसके लिए कितना दिन आगे बढ़ना पड़ेगा? 20 के लिए 19 लिख दिया और 20 को 4 से डिवाइड कर जो आता है विच इज 5, बट बिकॉज 1-1-20 तक आएंगे तो इसलिए 5 नहीं लिख सकते, 4 ही लिखेंगे. हाउ मेनी ईयर्स वी हैव मूव्ड? 19 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स. ओके. हाउ मेनी डेज? देन वी कम टू 1/5/20. ऑलराइट. 1/1/20 तक तो हम 23 दिन आगे बढ़ गए. अब 1/5/20 तक कितने दिन आगे बढ़े? इसके लिए 5वें महीने में पहुंच जाइए. एंड द फिफ्थ मंथ इज मे विच इज नंबर 1. सो लेट्स पुट 1 हियर एंड वी विल कम एंड एक्सप्लेन एंड मे बी समबडी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई वी आर गेटिंग दिस नंबर 1 हियर. ओके. एंड देन फॉर द डेट, नाउ वी आर ऑन 1/5/20. सो टोटली हाउ मेनी डेज हैव वी मूव्ड? 19 + 4 = 23 + 1 = 24. ओके. And then 24 is same as, by the way, 24 is same as how much? If you divide by 7, you get remainder 3. So it is same as 3 also. So you can, instead of 24, you can write 3. Now 1/5/20 se humko kahan pahunchna hai? 28/5/20. Right? Which is how many days more? 27 days more. Right? 1 se 27 aage. So plus 27. Okay. So 27 plus 3 is how much? Oh, I made a mistake. This has to be not 4 but 5 days because we are in May. Sorry, यहाँ पर तो 4 ही दिन रहेगा, but वो पहली तारीख थी. अब पहली से जब हम मई में आए तो लीप हमारा काउंट हो जाएगा, तो एक दिन और यहाँ पर बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर हमें actually, even though 1/1/20 will be 23 days ahead, but in मई में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 5 कर देंगे, तो ये 25 हो जाएगा.
ऑल राइट, और ये चार हो जाएगा ठीक है। और इसमें अगर हम 27 जोड़ दें तो 31 हो जाएगा, 27 प्लस 4 इज 31, इफ यू डिवाइड दैट बाय 7 यू गेट रिमाइंडर। सो व्हाट विल बी द डे, यू गो 3 डेज अहेड, सो इफ 111 वाज अ मंडे 28520 विल बी 3 डेज मोर व्हिच इज मंडे प्लस 3 व्हिच इज थर्सडे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दोज हु वांट, एंड देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट द फॉर्मूला। फॉर एनी पर्टिकुलर डेट यू डू डेट माइनस 1, क्योंकि पहली तारीख अगर पता चल गई तो उतने दिन आगे बढ़ना है। ओके, नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो गए उस दिन से आज तक, 2001 से अभी तक, और कितने साल आगे बढ़ गए, और फिर महीने के लिए कितने दिन आगे बढ़ना है, वो हमारे इस मैजिकल कैलेंडर में लिखा हुआ है। वाई आर वी सेइंग जनवरी इज 0, फरवरी इज 3, मार्च इज 3, अप्रैल इज 6, मे इज 1, जून इज ब्ला 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 ब्ला, ये कैसे आया हमारे पास, दिस इज द मैजिकल कैलेंडर। बाकी सब तो सरल है, साल के लिए एक दिन बढ़ा दिया, लीप ईयर के लिए एक दिन बढ़ा दिया, और तारीख के लिए जो तारीख है माइनस 1 बढ़ा दिया। हाउ वी गॉट दीज नंबर 0, 3, 3, बेसिकली वी आर डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ बाय 7 एंड एडिंग टू द प्रीवियस नंबर। व्हाट डज दिस नंबर 6 इन अप्रैल मीन, तो जो भी ये नंबर लिखे हैं वो ये बताता है कि आप जनवरी से कितने आगे हैं। फरवरी जनवरी से 3 दिन आगे है, मार्च जनवरी से 3 दिन आगे है। जब मैं बोल रहा हूँ मार्च जनवरी से 3 दिन आगे है, तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। तो वो लीप ईयर की जो कैलकुलेशन है वो हम ईयर में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लीप ईयर मान के बिना करा हुआ है, क्योंकि लीप ईयर वाला काम हम ईयर में जोड़ देंगे। इज दैट फरवरी इज 3 डेज अहेड ऑफ जनवरी, मार्च इज 3 डेज अहेड ऑफ जनवरी, अप्रैल इज 6 डेज अहेड ऑफ जनवरी, मे इज 1 डे अहेड ऑफ जनवरी, एंड लाइक दैट। सो इफ वी नो द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वी नो द होल ईयर, that is what this calendar tells. Please look at the question and try to answer. What will be the day of your birthday in the year 2025? Let's take Samita's birthday now, which is 27/01/2025. All right. कितने साल आगे बढ़ना है, मैं एक 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 को बेस मान के कर रहा हूँ, तो वो सोमवार था ना, तो वहां से अगर मानकर करें तो 24 साल आगे, 24 years we have moved. How many leap years have we moved? We have moved 6 leap years, right? I am assuming 4, 8, 12, 16, blah, blah, blah. 6 times 4 is 24. So we have moved 30 days or we have moved 2 days. Okay. January mein we have not moved anything. So it remains 0. 27 we have 26 days, which is divided by 7. The remainder is 5. 5 plus 2, 7 days we have moved. So if we have moved 7 days, it must be 7 days from Monday will also be a Monday. So 27/01/25 should be a Monday. Samita, can you check? It is Monday. I think you gave Monday as the answer, right? So big round of applause for Samita. Very interesting question. And this is your homework. We will not do it now because we are sort of running out of time. Let's say now you have to move backwards. Backwards meaning, now you have to, this is your homework, you have to find the day of your birthday, when you, the day you were born.